नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, कमाल आर खान एक ऐसे फिल्म क्रिटिक जो किसी भी फिल्म की, स्पेशली बॉलीवुड फिल्म की तो बड़ाई कर ही नहीं सकते, बुराई करते ही हैं। और उनका सभी बॉलीवुड के एक्ट्रेस से पंगा रहता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, कमाल आर खान की बातों को कितना सीरियस लेना चाहिए या कितना सीरियस लेते हैं, ये अलग अलग व्यक्तियों की नेचर पर डिपेंड करता है। कुछ लोग उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, हंसी में उड़ा देते हैं, और कुछ लोग उनकी बातों को सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि उन्हें इंटरेस्टिंग लगती है। ज्यादा सीरियस तो शायद वो भी नहीं लेते होंगे, लेकिन उन्हें इंटरेस्टिंग जरूर लगती है उनकी बातें, तो वो सुनते जरूर है। बोला फिल्म का ट्रेलर आया था, उसका रिव्यू क्यार के ने किया और उन्होंने धज्जिया उड़ा दिया बोला फिल्म के ट्रेलर की। उन्होंने कहा, एक तो कहते कि रीमेक है इसलिए कोई फिल्म देखने जाएंगे नहीं, दूसरा उनका आरोप ये था कि अजय देवगन सर ने सभी कुछ दिखा दिया है ट्रेलर में और टीजर में, जितने भी एक्शन सिक्वेंसेज है, तो कोई क्यों देखने जाएगा। इस तरह की कई बातें उन्होंने की है कि फिल्म चलने वाली नहीं है। 200 करोड़ के आसपास उन्होंने इसका बजट बता दिया है, जबकि एक्चुअल बजट अभी तक तो ऑफिशियली जारी भी नहीं हुआ है। और जो सामने खबरें आ रही है उसके अंदर 100 से 120 करोड़ का बजट अभी बताया जा रहा है फिल्म का। एक्चुअल बजट तो फिल्म रिलीज होगी तभी पता चल पाएगा कितना बजट है। तो इस तरीके से नेगेटिविटी उन्होंने फैलाने की कोशिश की है। और उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा अपने जो यूजर्स हैं उनसे कि आप कितने लोग बोला देखने जाओगे, जबकि ये कहते कि रीमेक है। तो अब इस बात को कहाँ तक कितनी सीरियस ली जाए, कितना मतलब इसकी बात के ऊपर विचार किया जाए। पठान फिल्म के लिए भी उन्होंने कहा था और सभी फिल्मों के लिए वो कहते रहते हैं। पठान पे तो उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए थे कि 100 करोड़ रुपए तो टिकट यश राज ने खुद ने खरीदी है और एक्चुअल कलेक्शन 250 करोड़ रुपए ही है, ऐसे भी कहा उन्होंने कहा था। और फिर अपनी बात से पलट भी गए थे और एक बार शाहरुख खान की तारीफ भी कर दी थी कि वास्तव में सुपरस्टार है, ब्लॉकबस्टर फिल्म है पठान। तो आज कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कोई दूसरी बात बोलने लग जाते हैं, अपनी बात पर भी स्थिर नहीं रहते हैं। तो अजय देवगन के प्रशंसकों को मेरा ये कहना है कि इससे आप परेशान नहीं हो, इससे ज्यादा मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि के आर के तो ऐसे बोलते ही है, उनकी आदत है, उनकी नेगेटिविटी उनकी आदत है फैलाने की। बोला फिल्म का बहुत बड़ा क्रेज है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और कहते कि रीमेक होने के बावजूद बहुत ही अलग तरीके से ये फिल्म बनाई गई है। इसमें कहते का केवल कंटेंट है, बाकी काफी कुछ इसमें चेंज कर दिया गया, क्योंकि एक फिल्म नहीं है, यूनिवर्स है, कई पार्ट इसके आने वाले हैं। और जिस प्रकार के एक्शन सिक्वेंसेज इसमें फिल्माए गए हैं, जिस प्रकार का बीजीएम है, जिस प्रकार का म्यूजिक है, जिस प्रकार की स्टार कास्ट है, तो ये फिल्म डेफिनेटली बहुत बड़ी हिट होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। और जैसे ही फिल्म की एडवांस बुकिंग खुलेगी और जिस प्रकार से भयंकर तरीके से जबरदस्त तरीके से एडवांस बुकिंग होगी और ये बम्पर ओपनिंग फिल्म की लगेगी, तो उसके बाद में क्यार के फिर से अपने बयान से बदल जाएंगे और फिर से तारीफें करने लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने आपको जानकारी इसलिए दी कि ऐसे कई रिव्यूज आएंगे, ऐसे कई लोग हैं जो बोला फिल्म के प्रति भी नेगेटिविटी फैलाएंगे। कई लोग होते हैं, कई उनकी आदत होती है, तो वो डेफिनेटली फैलाएंगे नेगेटिविटी। तो आप ऐसी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दें, और बोला फिल्म बहुत ही अच्छी होने वाली है, मुझे पता है। ट्रेलर माइंड ब्लोविंग था, टीजर 2 के तो क्या कहने, और बहुत बड़ी ओपनिंग ये फिल्म लेगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं जानी यार। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइएगा कमेंट करके। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।